तो तुम अभी कौन सा कॉलेज में हो? नेताजी सुभाष इंजीनियरिंग कॉलेज। अच्छा, तुम्हारा ब्रांच मेरा इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल, और अभी फाइनल ईयर पे? है। हाँ भैया, फाइनल ईयर। अच्छा, मतलब फाइनल ईयर पे हो, इसका मतलब प्लेसमेंट का पूरा फुल आइडिया रहेगा तुमको। हाँ, तो प्लेसमेंट का पूरा हाँ, आइडिया। तो मैं पहले तो बात करूंगा कि एक चीज बताओ कि अभी तक कौन कौन कंपनी आया है टोटल। मतलब अभी टोटल तो मतलब काउंट तो उतना याद नहीं है, लेकिन बहुत सारा कंपनी आया है, एक कोर अप्रोक्स नॉन बताओ। कोर बहुत सारा। अच्छा, आईटी का पहले बता दो मुझे अप्रोक्स, जो कि फेमस कंपनीज है वो सब का थोड़ा नाम बता दो। आईटी का आपका TCS आया, कॉग्निजेंट आया, फिर आपका LTI आया, फिर हैक्सवर्क आया, फिर थाउटवर्क्स आया, फिर आपका और भी मतलब बहुत सारा बहुत अच्छा अच्छा कंपनी आया। अच्छा, तो ये लोगों का पैकेज तुम्हारा कितना है अप्रोक्स? वही मतलब 3.5 के अलाउंग। अच्छा, 3.5 तुम्हारा स्टार्टिंग है। हाईएस्ट सुने हो अभी तक, हाईएस्ट कितना गया है? हाँ मतलब ऑफ कैंपस एक गया है मतलब 20 लाख का। अच्छा, 20 लाख। और ऑन कैंपस का कोई आइडिया? हाँ, ऑन कैंपस आपका वही 11 से 12 लाख का। 12 लाख का। अच्छा, सही बात है। मतलब तो वो क्या सीएस से आईटी से है कि हाँ, वो सब कोई? सिर्फ CS वाला ही बच्चा उसके लिए एलिजिबल था। अच्छा, उसके लिए सिर्फ सीएस वाला बच्चा एलिजिबल था। हाँ ओके, और बाकी मोटा मोटा तुम लोग इलेक्ट्रिकल वाला जिसमें एलिजिबल थे, तो हाँ तुम लोग कौन कौन आईटी का मतलब प्लेसमेंट ड्राइव में एलिजिबल थे, थोड़ा हम लोगों बताओ। का मेनली क्लास में हुआ है, बहुत बच्चा का TCS में हुआ है, बहुत बच्चा का क्या बोलते हैं आपका LTI में हुआ है, कॉग्निजेंट में हुआ है, फिर आपका और विप्रो आया था क्या कॉलेज में? नहीं, अभी तक विप्रो विजिट नहीं किया इस बार। ओके ओके ओके। अच्छा, माइंडट्री, गोल्डमैन सैचेस, ये सब? नहीं, ये सब भी नहीं आया अभी तक अच्छा, मतलब अभी क्या लगता है कि आगे होगा और भी? ना। अब तो मतलब IT कंपनी तो अभी तो नहीं आ रहा, मतलब बहुत मतलब 3-4 महीना से IT कंपनी बंद ही है लगभग। अब मेनली सेल्स का ही आ रहा। अच्छा, सेल्स और मार्केटिंग का आ रहा है कॉलेज में। तो हाँ, सेल्स और मार्केटिंग का ही अभी आ रहा। ये लोगों का पैकेज कितना है सेल्स मार्केटिंग का? यही मतलब 5 4 5 के लोन है। 4 5 कलम। अच्छा, कोर का कोई आया था क्या टिल नाउ? हाँ, कोर का भी बहुत सारा कंपनी आया है, मतलब जैसे मिनसोल लिमिटेड आया, मणिकरण पावर लिमिटेड आया, सिमिको अच्छा, टेलीकम्युनिकेशन आया, फिर आपका सिक्योर मीटर्स आया, फिर आपका अभी रिसेंटली टाटा स्टील आया है। टाटा स्टील आया था। हाँ, अच्छा, बढ़िया बात है तब। लेकिन अभी तक टाटा वो रिक्रूट नहीं किया, बस फॉर्म दिया। वट एवर, मतलब आया होगा, इसका मतलब हाँ जरूर हाँ से हाँ लेके जाएगा ना, वो तो सही बात। भैया, अच्छा, असली अच्छी बात है ये तो। चलो, बहुत सही है। मतलब कोर में कोई लड़का आना चाहता तो तुम क्या सजेस्ट करोगे अभी? मतलब कोर में उतना खास तो मतलब क्या बोलते हैं पैकेज तो है नहीं, लेकिन फिर भी आना चाहता है तो आ सकता है, लेकिन वही होता है कि मतलब एक लेवल पे जाके आपका सैलरी मतलब इंक्रीज ज्यादा नहीं करता जिस टाइप से IT में करता है इंक्रीज हाँ, वो प्राइवेट ठीक सेक्टर है। में, तो ये बात है। अच्छी, हाँ, ये तो सही बात है। बाकी तुमको क्या लग रहा है कॉलेज के अंदर कि कौन ब्रांच में जो है सबसे बढ़िया प्लेसमेंट है? इस बार तो मतलब CSE ब्रांच में बहुत अच्छा प्लेसमेंट हुआ, ओके, सीएस CSE और छोड़कर? IT। अच्छा, आईटी में? आईटी में भी बढ़िया है ना इसका पिछले मतलब? साल मतलब ECE बहुत अच्छा था, लेकिन इस बार ECE थोड़ा सा घट गया। ओके 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 ओके, सही बात है। चलो, अच्छा, एक मोटा मोटा अगर बता पूछे तुमसे कि टोटल अभी तक टोटल कितना कंपनी आए हैं कॉलेज में, टोटल अगर एक नंबर अप्रोक्स बताओ मुझे। टोटल अगर हम बताएं तो मतलब लगभग आपका 30+ कंपनी आ चुका। 30+ कंपनी, बढ़िया है। मतलब तुम लोग अलाउड थे उसमें ना, इलेक्ट्रिकल हाँ, वाला अलाउड जिसमें था? हम लोग अलाउड थे वही बता रहे अच्छा, भैया। तो इससे भी ज्यादा आया इसका मतलब, दूसरे ब्रांच भी जहाँ हाँ, पे थे? उससे भी ज्यादा मतलब कॉलेज में तो बहुत ज्यादा, 50+ भी बोल सकते हैं, विजिट किया होगा। अच्छा। और एक चीज मेरा जो डाउट है कि माने कि कोई अगर मोस्ट ऑफ दी कंपनीज, मतलब 90% कंपनीज जो आता है कॉलेज में, तो उसमें हर ब्रांच अलाउड रहता है ना कि कोई एक इंडिविजुअल ब्रांच? मतलब हाँ भैया, आप बोल सकते हैं 80% उस टाइप का कंपनी आता है जिसमें मतलब हर 80 to 70% बोल सकते हैं कि जिसमें हर ब्रांच एलिजिबल होता है। अच्छा, सही बात है। चलो, बाकी ओवरऑल कॉलेज के टाइम को इंटर्नशिप या ट्रेनिंग का अपॉर्चुनिटी मिला था क्या तुम लोग को? भैया उस टाइप का तो मतलब नहीं, उस टाइप का तो मतलब हम लोग का एक सैम के बाद होता है एक इंटर्नशिप टाइप का प्रोग्राम होता है, वही बस वही होता है। उसके अलावा ओके और हम लोग का एक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग था, लेकिन उसमें कुछ बच्चा जो करना चाह रहा था वही सब के लिए मतलब वो अति किया गया था। ओके ओके। और अभी तुम लोगों के क्लास में स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट कितना है? 120 टोटल? हाँ भैया, मतलब लगभग 120, अप्रॉक्स 120 बोल हाँ, तो सकते हैं 120 में अगर इलेक्ट्रिकल हम में। पूछे कि 120 में कितना जन जो है अभी प्लेस्ड है, तो एक अप्रॉक्स आइडिया?
हाँ भैया, मतलब अप्रोक्स 50+ बच्चा प्लेस्ड है, ज्यादा तो नहीं प्लेस्ड लेकिन 50+। 50+ बच्चा जो है प्लेस्ड, अभी भी कंपनी तो आ रही है और मोटा हाँ भैया, मोटा। अब आ रही, लेकिन अब मतलब उतना ज्यादा प्लेसमेंट उस रेट से नहीं हो रहा जैसा पहले हो रहा था। अच्छा, सही बात है तब। अच्छा और एक डाउट है मेरा। अच्छा ये जो टेक मतलब तुम लोगों के कॉलेज में नेताजी के अंदर जितना भी कैंपस ड्राइव होता है तो उसमें क्या सिर्फ जी नेताजी अलाउड रहता है कि नेताजी के बाद भी एमएसआईटी नहीं भैया, ये एसएनयू? मतलब पूरा टेक्नो ग्रुप का ही होता है, मतलब टेक्नो के अंदर जितना कॉलेज रहता है ना, स्कूल कैंपसिंग हाँ टाइप का होता है। यही चीज है, यही सबको समझ में नहीं आता। तो वहां पे थोड़ा बताओ ना कौन कौन कॉलेज तुम देखे हो। मतलब वहाँ तो हम लोग टेक्नोमेन सॉल्ट लेक देखे हैं, टेक्नोमेन यूनिवर्सिटी देखे हैं, फिर आपका एमएसआईटी देखे हैं, फिर हम लोग का नेताजी सुभाष इंजीनियरिंग कॉलेज देखे हैं, फिर आपका सिस्टर निवेदिता, नहीं भैया ये शायद एक कुछ कुछ कंपनी में ये सब आए थे। अच्छा, मतलब अप्रोक्स 80-90% कंपनी जब आती है तो एमएसआईटी मेघना छा ये सब पूरा हाँ अलाउड हाँ रहता है हाँ ना। भैया, मतलब टेक्नो का जितना भी कॉलेज है वो सब रहता ही है अच्छा, इंक्लूडेड। ये सही बात है। चलो और बाकी मैकेनिकल सिविल ये सब का कैसा प्लेसमेंट है? ये सब का भैया इस बार तो बोल सकते हैं कि एवरेज ही रहा, उतना स्लो एंड गुड नहीं रहा लेकिन एवरेज रहा। अच्छा तो क्या मतलब इलेक्ट्रिकल का हालत ये लोग सच्चा है क्या? नहीं इलेक्ट्रिक, इस ट्रेंड से देखा जाए भैया सिविल में मतलब लगभग आपका 35 बच्चा है ही, उसमें 10 बच्चा प्लेस्ड हो गया, यहाँ 120 है जिसमें 55 बच्चा लगभग प्लेस्ड हो गया, तो हाँ सही बात इस ट्रेंड है। के अनुसार मतलब सबका देखा जाए तो इक्वली है, अप्रोक्स का हाँ परसेंटेज अगर परसेंटेज के देखा हिसाब जाए। से वो इक्वल है। जी भैया सही बात है। ठीक है चलो, थैंक यू इतना सारा कुछ इन्फॉर्मेशन देने के लिए।